हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज फिगर शोज टू प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड बिटवीन देम, देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द मिरर एम टू विल बी इन सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है इमेजेस की फ्रॉम मिरर एम टू से। ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इमेज फॉर्म बताना है। क्या बताना है? आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है किसके कारण? आपके प्लेन मिरर के कारण। ओके, आपको फर्स्ट थ्री इमेजेस बतानी। तो उस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर के कारण जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी, ठीक है, आपको उसकी यहाँ पर क्या बतानी है? फर्स्ट थ्री इमेजेस की डिस्टेंस बतानी कहाँ से? फ्रॉम मिरर एम टू से। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी सिचुएशन इस तरीके से, ये आपके मिरर्स हैं, ठीक है, आपका एक एम वन है, एक आपका क्या एम टू, ये आपके क्या दो मिरर्स हैं। ये साइड आपकी क्या, देखिए सिल्वर साइड है, ठीक है, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये जो आउटसाइड वाली साइड्स हैं, ये क्या आपकी सिल्वर साइड्स हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट बच्चों आपका यहाँ पर कह रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है, और ये टोटल डिस्टेंस 15 है। तो बच्चों आप बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इतने हिंट दे रखे, ठीक है। अब देखिए इमेज बतानी है हमें फर्स्ट कहाँ से। ये मिरर का नाम हमें एम वन बोल रखा है, या आपको एम टू बोल रखा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इमेजेस कैसे बनेंगी। पहला देखिए आपका ओ ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस मिरर एम टू से कितनी है? 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो इससे देखिए इमेज बनेगी, देखिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएंगी, ये आपके रिफ्लेक्ट होगी, तो आपकी यहाँ पर कहीं वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ये आपकी एक वर्चुअल इमेज बन गई, इसको मैंने आई बोल दिया, ठीक है, दिस इज वर्चुअल इमेज। इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी होगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बता सकता हूँ प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो क्या होगी? 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर होगी, ठीक है। ये आपकी एक इमेज बन जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज एम वन भी तो बना सकता है, एम वन भी इसकी इमेज बनाएगा, कितने दूर बनाएगा? देखिए एम वन एम टू दोनों से इमेज बनेंगे। एम वन से जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड बनेगी, ये बनेगी, ठीक है, दिस इज द इमेज। ओके, और इसकी डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? ये डिस्टेंस भी बच्चों आपकी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, ऑलराइट, ये बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमने दो इमेजेस तो आपकी ये बन गई, ठीक है, ये वाली और ये वाली इमेजेस बन गई, ठीक है। अब हम क्या बता सकते हैं? देखिए ये जो इमेज है ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, किसके लिए? एम टू की तरह नहीं, एम टू के लिए नहीं, क्योंकि इसके सिल्वर्ड साइड इसके साथ आ रही है। इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर एम वन। एम वन के लिए क्या करेगी? आपके ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, एम वन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एड करेगी। तो देखिए कितनी डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो ये पीछे से है। ओके, ये वाली डिस्टेंस कितनी? 15, तो 20 सेंटीमीटर। तो हम बता सकते हैं कि इसकी इमेज, आई की इमेज एम वन से बनेगी कितनी? 20 सेंटीमीटर बिहाइंड, यानी कि यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी एक इमेज यहाँ पर बन जाएगी, कितनी डिस्टेंस होगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी बच्चों कितनी डिस्टेंस होगी? 5 ये थी और ये 15 ये थी, 20 थी, तो ये डिस्टेंस भी आपकी 20 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके यहाँ से 20 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका इमेज बना था, ये इमेज क्या करेगा? आप एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर एम टू। ओके, और इसके डिस्टेंस देखिए कितनी होगी? 5 ये है, 10 ये है, कितना हो गया? 15, 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इससे 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ का ही बन जाएगी, ठीक है। इस वाले की इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। कितने डिस्टेंस दूर बनेगी आपकी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 25 सेंटीमीटर बन गई, ठीक है। तो ये भी आपकी इमेज बन गई ऐसे, ठीक है। इसको आप देखिए अलग अलग नाम दे सकते हैं। अब देखिए अब मैं क्वेश्चन में, देखिए मुझसे क्या पूछा? क्वेश्चन में देखिए मैंने इतनी इमेज फॉर्म कर दी, अब बोल रखा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द मिरर एम टू, मिरर एम टू से फर्स्ट थ्री इमेजेस की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पास वाली इमेज कौन सी? ये वाली इमेज है, तो मैं इसको आई वन बोल देता हूँ, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी बच्चे यहाँ से आपकी? आई वन, यानी कि आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए आपकी कौन सी इमेज बनी है? उसके बाद देखिए आपकी इमेज बता सकते हैं हम यहाँ से, ये वाली इमेज बनी है, ये देखिए कितने डिस्टेंस दूर है इससे, ये आपके यहाँ से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये भी 25 है और ये वाली बच्चों 25 ही है, ठीक है। दोनों आपके देखिए 25 25 दूर है, ठीक है। तो सेकंड इमेज की डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज आपकी 25 है। उसके बाद जो आपकी थर्ड बनी है, ठीक है, इसमें ये बोल रखा है फर्स्ट थ्री इमेजेस की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम डिस्टेंस से बनी है। फिर आपकी ये वाली इमेज बनी, इसकी डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी? देखिए 10 प्लस 5, 15 ये थी और 20 है, ठीक है। तो इसके लिए हम बता सकते हैं ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका I3 आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसको आप I2 एज्यूम कर लीजिए, ये आपका I2 I2 दोनों सेम ही डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है। तो मैं इसको एक ही को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की डिस्टेंस तो बच्चों 5 बनी थी, इस वाले की डिस्टेंस कितनी बनी है आपकी? ये वाली आपकी सेकंड वाले की 25 बनी है, और इसके देखिए 20 यहाँ तक होगी, 20 प्लस 15 यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 35 के इक्वल होगी। यहाँ से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक 20 है, 20 से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगेन आपके 15 सेंटीमीटर और एड कर लीजिए, कहाँ से? एम टू से बताना है ना, तो कितना होगा? 35 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट थ्री इमेजेस तो आपकी ऐसी बन जाएंगी, ठीक है। तो 5, 25 एंड 35 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट थ्री इमेजेस फ्रॉम द मिलन एम टू, ठीक है। तो ऐसे हम इसको क्या करेंगे? आपको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।